Hello, good evening guys. How are you all? I hope all of you are well and life is well. So mock analysis class में आप सबका स्वागत है. कि आप कैसे mock analysis करेंगे? Today we'll talk about that. And अगर आपको कोई भी question हो, वो भी आप पूछ सकते हैं आज की class में इस क्लास में. मेरा नाम प्रदीप नागर है. मैंने अपना बीएलपी एनआई भोपाल से कर रखा है, मास्टर डिग्री गुजरात से कर रखा है. मैं ऑनलाइन वर्सी 39 में एक प्लेटिनम 2014 में ऑनलाइन 425 से जब मैंने क्लैट पीजी के एग्जाम से दिया था, मैं क्लास प्लस वेरीफाइड एजुकेटर और मैंने यूसी नेट भी क्लियर कर रखा है. कांग्रेचुलेशंस टू क्लैट यूनिवर्सिटी टॉपर 70 प्लस एनयू एडमिट रहे हैं. एआईआर 2, एआईआर 37, एआईआर 96 अन अकेडमी के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे. तो अगर आप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं और अन अकेडमी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं. अन अकेडमी क्लैट 2023 लर्नर्स टॉप एंड सुपर रैंक का नाम और रैंक यहां पे दे रखा है. अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों. सो कांग्रेचुलेशंस क्लास 2023 टॉपर्स. और अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. जितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने मंथ्स के लिए आप अनअकैडमी में सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं. जितनी भी क्लासेस हैं मॉक्स सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं. और अभी ऑफर चल रहा है, आप 40% तक सेव कर सकते हैं. हाय नेहा, हाउ आर यू? आपको अगर मेरे पर आने का सारा अच्छा लगता है तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं कृति बी. टारगेट क्लास 2024 12 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको इस प्राइस पर पड़ेगा. और आप अगर क्लैट 2024 आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको इस प्राइस पर मिलेगा. प्राइस हाई के बाद ये हो जाएगा. ऑफर वैलिड है फरवरी 21 तक. और प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस होता है? प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, ए-लेवल लाइफ स्किल स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं. आइकॉनिक में सब कुछ मिलता है. प्लस आपको एक मेंटर मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए. आपके घर पे बुक्स आती हैं तो अगर आप बाकी फीचर्स भी चाहते हैं तो आप आइकॉन ले सकते हैं, वरना प्लस ले सकते हैं. और कूपन कोड के लिए आप किसी भी कोड यूज कर सकते हैं. सबसे ज्यादा कॉमर्स बैच है क्लैट 2024 के लिए. इसमें मैं लीगल रीजनिंग पढ़ा रही हूँ. अगर आपसे कोई भी लीगल रीजनिंग मिस पढ़ा चाहते हो तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों. लॉ विस्तार इंडियन से बैच है. अदर लॉ इंडियन एग्जाम के लिए फेब्रुवरी 16 शुरू है. अगर आप इसमें नंबर इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. और स्पेशल क्लासेस फ्री क्लास होते हैं. अकेडमी आप इंटरव्यू लाइव क्लासेस होते हैं. फोर्थ लर्नर्स के लिए कहीं से क्लास पर एक्सेस कर सकते हो. तो चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स. और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आउट हो तो आप क्वेश्चन टैब में डाल सकते हो. एंड आई विल सी इट आफ्टर वी आर डन डिस्कसिंग विद हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मॉक्स स्कोर की. मैम हम 50 स्कोर कर रहे हैं, 40 स्कोर कर रहे हैं, 30 स्कोर कर रहे हैं, 100 स्कोर कर रहे हैं, 70 स्कोर कर रहे हैं, हम बहुत डिमोटिवेटेड हैं, क्या करें, ये वो फलाना ढिमकाना. सो अभी क्लैट में आपके देख लो, अभी आपके पास दिसंबर तक का टाइम है. तो आप मॉक इसलिए नहीं देते हो कि आपको ये आप एक फेलियर की तरह फील करो या ऐसा फील करो कि कम मार्क्स आ रहे हैं. आपको अपने मार्क्स पे फोकस नहीं करना है. आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप मॉक्स में क्या गलतियां कर रहे हो और उस गलती को सुधार के लिए हम उस मॉक को ढंग से एनालाइज करें. तो सबसे पहले तो ये अपने नेगेटिव थॉट्स हटा दो कि मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा. अभी आपके पास टाइम है अपने आप को बेटर करने का, अपना सिलेबस अच्छे से करने का और पेपर अच्छे से एनालाइज करने का, अच्छे से पढ़ने का. किसी के भी इतना पहले अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, बहुत रेयर होता है. तो ऑब्वियसली हम धीरे धीरे बेटर करेंगे अपने मॉक स्कोर्स को. हमको बस मेक श्योर करना है कि हम एक पॉजिटिव स्लोप पे जाएं कि भाई हम इम्प्रूव ही कर रहे हैं, हम डाउनफॉल में नहीं जाना चाहिए. और उसके लिए मॉक एनालिसिस सबसे सही रहेगा. तो प्लीज अपने आपको डिमोटिवेट नहीं करना है थ्रू आउट प्रिपरेशन. कम मार्क्स आए अब क्या होगा और क्लैट नहीं होगा और मेरे इतने कम आए या टॉपर्स के इतने कम नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है. टॉपर्स के भी 20-30 स्कोर आते थे शुरू में एंड देन दे ग्रेजुअली इंक्रीज. और ऐसा भी नहीं है कि जिसके 90, 100, 110 आते हैं वो ही हमेशा मतलब क्लैट में अच्छा स्कोर करता ही करता है. ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है. आप बस मेक श्योर करो कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, मॉक ढंग से दे रहे हो और मॉक को ढंग से एनालाइज कर रहे हो. दैट इज ऑल योर जॉब इज. तो सबसे पहले तो मॉक हम क्यों देते हैं? ताकि हमें हमारी स्ट्रेंथ्स पता चले कि कौन से सब्जेक्ट हमारे बेस्ट है, किन सब्जेक्ट्स पे हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट हमारे वीकनेस है, किन सब्जेक्ट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है. और ताकि हम एक बेटर प्लान बना सके अपना स्टडी प्लान. तो हर इंडिविजुअल बच्चे का स्टडी प्लान डिपेंड करेगा उसके मॉक स्कोर्स वगैरह पे. कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगी और आप एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करोगे. उसके अलावा आपको आपकी रैंक पता चलेगी कि अभी आप आपके पियर्स के बीच में आपकी क्या रैंक है और आपको कितना और प्रिपेयर करने की जरूरत है. और आपके स्कोर्स भी इंप्रूव होंगे अगर आप मॉक ढंग से एनालाइज करोगे. तो आप कमिंग टू मॉक्स कितने देने हैं, तो आप वंस अ वीक मॉक दे सकते हो. सिलेबस कंप्लीट कभी भी नहीं होगा. तो अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार सिलेबस कर लेता हूँ फिर मॉक देना शुरू कर दूंगा, तो मॉक का सिलेबस इज नेवर गोइंग टू बी कंप्लीटेड. तो इसलिए हर संडे को या फिर वेंसडे को जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप एक डे उठा सकते हो और उसमें आप मॉक दे सकते हो. लेकिन मॉक आपको 2 to 4 PM के बीच में देना है ताकि आप का जो क्लैट एग्जामिनेशन है उसके तरीके का आपको एम्बियंस लगे. और अगर आपको नींद आती है दिन में तो थोड़ी सी वो भाग जाए.
ठीक है, विदाउट डिस्टर्बेंस मॉक देना है सबके घर वालों के साथ में, पंचायत चल रही है और आप भी वहां बैठे हुए हो, मॉक पे ध्यान दे रहे हो, फिर मम्मी कुछ बोली उस पर ध्यान दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, विदाउट डिस्टर्बेंस करना है, मास्क की जरूरत नहीं है। और 3 to 5 PM या 4 to 2 to 4 के बीच में बेसिकली ये टाइम होना चाहिए आपका मॉक्स देने का, और आपको बीच में नहीं उठना है। तो काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हम 1 घंटे के बाद बोर हो जाते हैं और फिर मन नहीं करता और फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसे तो क्लैट नहीं निकल पाएगा ना, आप बोर हो जाते हो, सब बोर हो जाते हैं, पर बोर कैसे होते हो क्योंकि आप उस बारे में सोचने लग जाते हो। आपको 2 आवर्स के पेपर में 150 क्वेश्चंस करने हैं, तो इतना तो टाइम ही नहीं मिलता कि आप बैठ के ये सब सोचो कि हम बोर हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, हम वो हो रहे हैं। मतलब आप बी इन द मोमेंट, बी इन द क्वेश्चन पेपर, फोकस ऑन द क्वेश्चन पेपर, साइड वाली चीजों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट करेक्टली, तो आपको कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन बाद में करना चाहिए, दिस वील बी टेकिंग अप। तो 2 तरीके होते हैं, पहला होता है या तो आप उस सेक्शन से शुरू करो जो आपका बेस्ट सेक्शन है, क्यों, ताकि आपका थोड़ा एक कॉन्फिडेंस शुरू में ही बिल्ड हो जाए कि यार हाँ मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मेरे को आता है पेपर और पेपर ईजी है, पेपर अपने से हो जाएगा सॉल्व। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश बेस्ट है तो आप इंग्लिश से शुरू कर सकते हो, लीगल बेस्ट है तो आप लीगल से शुरू कर सकते हो। सेकेंड मेथड कुड बी कि आप जीके से शुरू करो और फिर अपने बेस्ट से लीस्ट पे चले जाओ। तो जीके से क्यों, ताकि 10 मिनट के अंदर आपका 35 क्वेश्चंस जो है कवर हो जाए, तो उससे आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगा कि यार 10 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चंस हो गए, चलो ठीक है अब पेपर मैं पूरा कंप्लीट करूंगा 150 क्वेश्चंस। तो दोनों तरीके सही है कि आप पहले बेस्ट टू लिस्ट पे जाओ, जीके से मत शुरू करो, सेकंड इज जीके से शुरू करो फिर अपना बेस्ट सेक्शन उठाओ, जैसे हो सकता है इंग्लिश बेस्ट सेक्शन हो तो जीके के बाद इंग्लिश, फिर सेकंड बेस्ट सेक्शन जैसे कि हो सकता है लीगल हो, फिर थर्ड बेस्ट जैसे क्रिटिकल रीजनिंग, फिर फोर्थ बेस्ट मैथ्स हो गया, फिफ्थ बेस्ट जैसे कि और क्या बचा, नहीं जीके कवर हो गया था ना उसमें ऊपर, तो जीके लास्ट अगर आपका वर्स्ट है तो जीके लास्ट कर सकते हो अगर आप पहले वाले मेथड से जा रहे हो तो, ठीक है। नाउ कमिंग टू आप कौन से सेक्शन को कितना टाइम दोगे, तो अभी आप लोग में से काफी सारे लोग क्या करते हो ना कि आप मॉक देना शुरू करते हो और देते ही जाते हो, मतलब कोई ऐसा टाइम टेबल ये वो फलान ढिमकाना कुछ नहीं है कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है और 30 मिनट्स हो गए तो बस अब ये सेक्शन खत्म, ऐसा नहीं करते। आप लीगल रीजनिंग का सेक्शन उठाए हो तो 1 घंटे तक लीगल रीजनिंग ही चल रहा है, इससे मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। तो जब आप मॉक शुरू करते हो ना तो तब तो आपको लगता है कि यार मेरे पास 2 आवर्स है, 2 आवर्स बहुत होते हैं, बहुत, मतलब अगर अभी मैं 2 घंटे पढ़ाने बैठ जाऊं तो मेरे को लगे अरे भाई। लेकिन जब आप सोच के बैठते हो कि भाई मेरे को लीगल रीजनिंग 35 मिनट्स में करना है, लॉजिकल मेरे को 30 मिनट्स में करना है, जीके मेरे को 10 मिनट्स में करना है, तो ये इतनी कम विंडो हो जाती है ना अचानक से, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जल्दी बढ़ना शुरू करता है, तो आपका जो दिमाग है ना थोड़ा रिलैक्सेशन से हट जाता है कि भाई थोड़ा फोकस्ड हो जा, थोड़ा सा ध्यान दे ले, अब अपन को ये सेक्शन कंप्लीट करना है 1/2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि आप टाइम पहले से अलॉट करोगे हर सेक्शन को, और उस टाइम से अगर 1 मिनट भी ऊपर हो रहा है तो वह सेक्शन छोड़ दो। हो सकता है उसमें ऐसा पैसेज हो जो आपको आता था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब आप मॉक दोगे तो आप और जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे कि यार मेरा पेपर ना छूट जाए। तो गिव सेक्शन, हर सेक्शन को आपको टाइम देना है, पढ़ते नहीं रहना है, कोई बात नहीं छूटने दो, 1 बार छूटेगा, 2 बार छूटेगा, 5 बार छूटेगा, 6 बार छूटेगा, 7वीं बार तो पढ़ोगे ना अच्छे से, तो लेट इट बी, कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे रीडिंग स्पीड बिल्ड होगी जब आप टाइम बाउंड रीडिंग करोगे, अगर आप ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो शुरू में आप बहुत लिथार्जिकली पढ़ोगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ोगे और लास्ट में आप हैफजर्ड में जल्दी जल्दी पढ़ के गलत कर दोगे। तो डोंट डू दैट, हर सेक्शन को टाइम अलॉट करो। इंग्लिश आइडियल सेक्शन टाइम टेबल देती हूँ मैं, आप उसे ऊपर नीचे कर सकते हो। इंग्लिश 30 मिनट्स में होना चाहिए, लीगल 35 मिनट्स, जीके 10 मिनट्स, क्वांट्स 15 मिनट्स और CR 30 मिनट्स। ये आपके 2 घंटे में डिवाइड हो जाते हैं 150 क्वेश्चंस। तो आप इंग्लिश का पूरा सेक्शन 30 क्वेश्चंस का 30 मिनट्स में कर सकते हो, लीगल का 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स में, जीके के 35 क्वेश्चन 10 मिनट्स में, क्वांट्स के 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में और CR के 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स में। ये आपका आइडियल टाइम टेबल है, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको इतना टाइम नहीं लगता, तो इंग्लिश 25 कर सकते हो, और आपको लगता है लीगल में मेरे को टाइम लग जाता है तो लीगल 40 कर सकते हो। तो ये एक आइडियल है, इसको ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नाउ हाउ मच टाइम टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट, अब 2 से 4 तो मॉक दे लिया, अब मॉक एनालाइज कब करना है और कितना टाइम लगेगा, तो देखो 2 to 4 PM आप मॉक बैठते हो तो मॉक एनालिसिस आपको उसके 1/2 घंटे बाद ही शुरू कर देना है मैक्सिमम, या 4:15 4:30 के बीच में आप
अपना मॉक एनालिसिस शुरू कर सकते हो। इसमें आपको 1.5-2 घंटा भी लग सकता है शुरू शुरू में, और बाद में जब आप यूज टू हो जाओगे तो 1-1.5 घंटे में भी कंप्लीट कर लोगे। पर आपको मॉक एनालिसिस तभी करना है क्योंकि फ्रेश होता है माइंड, भी याद रहता है कि क्या क्या गलती करी थी, क्या सोच रहे थे, तो आप बेटर उसको कर पाते हो। क्या आपको मॉक टेस्ट कॉपी चाहिए होगी? येस, यू नीड टू हैव अ मॉक टेस्ट कॉपी ताकि एग्जाम से पहले आप उस मॉक टेस्ट कॉपी को रिवाइज कर सको कि क्या क्या गलत कर रहा था, क्या क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, वो सब कुछ। अपकमिंग टू हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट, ठीक है? तो सब अटेम्प्ट का तो मैंने आपको बता दिया। मॉक को आप अपने मोस्ट कंफर्टेबल से शुरू कर सकते हो या फिर आप जीके से शुरू कर सकते हो। जितना मिनट्स आपने डिवाइड किया है उतना ही मिनट्स आपको देना है। और आप क्या बोलते हैं, पैसेज रीडिंग के लिए मैं एक चीज बता देती हूँ। जैसे जीके में पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है, लीगल में अगर ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता तो पैसेज रीड करो, वरना पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है। एक बार बस ऊपर ऊपर से देख लेना कि एक्सेप्शन तो नहीं दे रखे। इंग्लिश सीआर में पैसेज रीड करना पड़ेगा, इसलिए रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और क्वांट्स में अगेन थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब फिगर्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगे और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जीके इज समथिंग जिसमें आप पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर पैसेज में नहीं दिया होगा। फटाफट गो टू द क्वेश्चन, 10 मिनट्स में कर लो आप खत्म, ठीक है? तो ये आपको, दिस इज हाउ यू डू योर पैसेज रीडिंग। नाउ कमिंग टू मॉक एनालिसिस कैसे करना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि आप मॉक कॉपी बना लो, ठीक है? तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉक कॉपी बना ली। अरे एक सेकेंड, तो आप इस मॉक कॉपी में क्या करना है, हम हर मॉक को एनालाइज करते चलेंगे, ठीक है? तो पहला पन्ना खोला, उसमें लिख दिया आपने मॉक 1 एनालिसिस, ठीक है? फिर आपने 10 पेज छोड़ दिए, 15 पेज छोड़ दिए। फिर जब भी आप नेक्स्ट मॉक दोगे मॉक 2 एनालिसिस, मतलब अभी छोड़ने की जरूरत नहीं, पहले मॉक 1 एनालिसिस कर लेंगे, फिर मॉक 2 का, फिर मॉक 3 का। उसके अलावा लास्ट के जो 10-15 पेजेस है आपकी मॉक कॉपी के, उन लास्ट के 10 पेजेस में ना आप अपना वो लिखोगे, क्या बोलते हैं कि क्या हो रहा है आपका मॉक स्कोर। तो लास्ट के 10 पेजेस में यू कैन डू, मतलब लास्ट वाला पन्ना खोलना, उसमें लिखना मॉक 1 स्कोर टोटल। तो मॉक 1 में फॉर एग्जाम्पल आपके 57 आए, मॉक 2 में फॉर एग्जाम्पल आपके 35 आए, मॉक 3 में फॉर एग्जाम्पल आपके 64 आए, ठीक है? और इसके अलावा इसके साइड में एक और आप एक बनाना, क्या बोलते हैं, गैप, और उसमें लिखना कि मॉक 1 में, चलो मॉक 1 तो उतना आपको नहीं समझ में आया होगा, मॉक 1 में जो भी आया, मॉक 2 में आप लिखना कि अगर डाउनफॉल हुआ है, मतलब मार्क्स कम हुए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है जैसे सीआर के पैसेज टफ आ गए थे, तो आप इसमें लिखते हो सीआर के पैसेजेस इकोनॉमी रिलेटेड डिड नॉट नो। तो आपको ये चीज ध्यान रही कि इकोनॉमी रिलेटेड आपके अच्छा नहीं है मतलब नॉलेज, तो आप उस पर फिर वर्क कर सकते हो। अगर इसमें इंक्रीज हुआ, तो जैसे मॉक 3 में आपका इंक्रीज हो गया, तो उसमें लिख सकते हो क्यों इंक्रीज हुआ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जीके से वो टॉपिक्स आए जो आपको आते थे, तो इस बार जीके में स्कोर बढ़ गया, तो आप इसमें लिख सकते हो जीके स्कोर्ड बेटर, है ना? तो ऐसे करके आपको एक एनालिसिस मिलता रहेगा इन टोटो कि आपका स्कोर कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है और किस वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर हम उन चीजों पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा ये तो आप लास्ट पेज पे लिख रहे हो, इस लास्ट पेज से 10 पेजेस पहले आप लिखोगे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉर मी, ठीक है? मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉर मी। तो अब ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कितनी बार मॉक में आ जाए आप गलत करते हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई सबमिट की डेट्स वगैरह है वो आपको याद ही नहीं हो रही, वो 3-4 मॉक में आ गए आप गलत ही कर रहे हो। तो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स वो टॉपिक्स होंगे जो आप हमेशा कर रहे हो गलत। जैसे क्रिटिकल रीजन में अगर इकोनॉमी का पैसेज आ गया, रेपो रेट वेपो रेट फलाना ढिंगाना आ गया, आपसे हो ही नहीं रहा, तो ये आप हमेशा कर रहे हो गलत, तो आपने इसको लिख लिया टॉपिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वीकनिंग के क्वेश्चन हमेशा गलत कर रहे हो, जब आप एनालिसिस करोगे तो आप नोटिस कि वीकनिंग गलत कर रहा हूं, तो वीकनिंग का टॉपिक लिख लिया कि वीकनिंग गलत है। जैसे वोकैब के कुछ वर्ड्स हैं जो आप मतलब परपेचुअली गलत करते हो, तो वो आपने वर्ड लिख लिया या वोकैबुलरी रिवीजन लिख लिया। तो ये जो मोस्ट डिफिकल्ट आपके टॉपिक्स रहेंगे, ये आप हर 2-2 दिन में रिवाइज करोगे, क्योंकि आपको पता ही आप गलत ही करते जा रहे हो, तो जितना आप इन्हें रिवाइज करोगे उतना बेटर होगा, ठीक है? नाउ कमिंग टू हाउ डू यू एनालाइज ईच एंड एवरी मॉक इंडिविजुअली। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मॉक कॉपी बनाई, शुरू में फर्स्ट पेज लिखा मॉक 1 एनालिसिस। मॉक 1 एनालिसिस के बाद आप ये ऐसी टेबल बनाओगे, ठीक है? इस टेबल में आपको क्या लिखना है, टोटल क्वेश्चन, हर सेक्शन में टोटल क्वेश्चन कितने आए थे, टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपके राइट कितने अटेम्प्ट हुए, रॉन्ग कितने अटेम्प्ट हुए, और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं टोटल क्वेश्चन 30 आए इंग्लिश में, आपने अटेम्प्ट किए थे 26, आपने सही अटेम्प्ट किए हैं 24 और आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं 2,
तो आपका स्कोर हो गया 23.5। ठीक है, तो ऐसे आपको ये अपना मॉक स्कोर लिखना है। लॉजिकल में 30 क्वेश्चन आए थे, आपसे नहीं बने, आपसे सिर्फ 20 क्वेश्चन बने जिसमें से 10 गलत हो गए। ठीक है, तो नाउ यू हैव स्कोर्ड 8.5, है ना। एक सेकेंड, फिर पेन चला गया। तो यहाँ पे सॉरी रॉन्ग अटेम्प्ट्स वर योर 10, तो 8.5 स्कोर हो गया। ठीक है, फिर लीगल में फॉर एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन आए थे, 40 में से आप अटेंड कर पाए सिर्फ 10, 10 के 10 सही थे, बाकी कोई भी गलत नहीं हुआ, तो यहाँ 10 स्कोर हो गया। लीगल में फॉर एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन आए थे, आपने 0 अटेम्प्ट किए, 0 राइट 0 रॉन्ग, मार्क्स ऑब्टेंड 0। जीके में 35 क्वेश्चन आए थे, 35 में से आपने 20 अटेम्प्ट किए, राइट क्वेश्चन हुए आपके 16, 4 आपके गलत हो गए, तो आपने 15 स्कोर किया। ठीक है, देन यू कैन राइट टोटल कितना है 150, टोटल आपके कितने अटेम्प्ट हुए, राइट कितने हुए ये काउंट कर लेना, रॉन्ग कितने हुए काउंट कर लेना, और मार्क्स कितने आए वो आप यहाँ पे लिख दोगे। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा सेक्शन बहुत ही वर्स्ट चल रहा है फिलहाल, कि मतलब भाई अपन बहुत ज्यादा पानी में है। तो आपके दो जो लीस्ट स्कोरिंग सेक्शन होंगे इस आने वाले वीक में, आप उस पे ध्यान देने वाले हो, और जो दो मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होंगे वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे अभी। तो फॉर एग्जाम्पल क्वांट आपने 0 स्कोर किया, तो क्वांट इज योर लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर नाउ। एंड सेकेंडली लीगल में भी आपने सबसे कम स्कोर किया, लीगल और लॉजिकल में अगर आप देखो तो लीगल में परसेंटेज वाइज आपने कम ज्यादा स्कोर किया है, क्योंकि लॉजिकल के तो क्वेश्चन ही 30 थे ना, लीगल के तो 40 क्वेश्चन थे जिसमें आपने करे ही 10, 30 में कम से कम आपने 20 किए थे, है ना। तो यहाँ पे इवन तो 8.5 आपने स्कोर अटेम्प्ट किया है, लॉजिकल में आया है 30 में से 8.5 है, लीगल में आपके 40 में से 10 है, तो परसेंटेज वाइज लीगल में आपके और भी कम है। तो लीगल और क्वांट्स आपके दो सब्जेक्ट है इस वीक जो अभी आपके वीकेस्ट में रहने वाले हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इस आने वाले वीक में हमें लीगल और क्वांट्स पे काफी फोकस करना है, और जो क्वेश्चन आए थे वो हमें फिर से रिवाइज करने हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक गलत किए। अब आप इंडिविजुअली हर सेक्शन को कैसे एनालाइज करोगे, ठीक है, तो ये तो आपने एंड में करना है। फिर उसके बाद आप हाउ डू यू एनालाइज हर सेक्शन, तो जो आंसर आपने लगाया, देखो जो आपने राइट कर दिए चलो वो तो राइट कर दिए, वो एनालाइज करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जो आपने रॉन्ग किए हैं और अनअटेम्प्टेड है वो आपको एनालाइज करने हैं ढंग से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि आपके आंसर में और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस था, मतलब आपको क्यों आपका आंसर सही लगा और एग्जामिनर का आंसर क्यों आंसर सही है। तो ऐसे मॉक्स देना जिसमें रीजन लिखे हुए हैं फॉर द करेक्ट आंसर, तो यू हैव टू एनालाइज दैट रीजन एंड कीप दैट रीजन इन माइंड द नेक्स्ट टाइम यू गिव अ मॉक। ठीक है, तो पहले तो एक जनरल बात करेंगे, तो पहले आपने ये बना लिया, ठीक है, ये टेबल बना ली, फिर यू विल राइट अ हेडिंग व्हाट डिड आई लर्न। ठीक है, तो कुछ जनरल चीजें आपने ना इस मॉक से सीखी होंगी, जैसे कि वोकैबुलरी मेरी अच्छी नहीं है, मैंने बहुत ही गंदे किया वोकैबुलरी में, क्वांट्स में मेरे को 3-4 टॉपिक्स करने हैं, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज इसी से क्वेश्चन आए थे, मैंने एक भी सही नहीं किया, तो क्वांट्स में आपसे डेली प्रैक्टिस करूंगा। जीके के टॉपिक्स में मैं इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, तो वो मैंने लिख लिया, तो जनरल चीज है, मैं फोकस नहीं कर पाया, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें सोच रहा था, कौन से सेक्शन में मैंने बहुत टाइम लगा दिया, लीगल में मैंने 40 मिनट्स लिए लेकिन 40 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ मैं 2 ही पैसेज कर पाया, तो मुझे लीगल के टॉपिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ताकि मैं उसमें रीडिंग स्पीड बढ़ा सकूं। ठीक है, तो ये आप एक जनरल चीजें पहले लिखोगे। नाउ कमिंग टू सेक्शन वाइज एनालिसिस, तो सबसे पहले इंग्लिश आप कैसे एनालाइज करोगे, तो मान लेते हैं कि ये आपका एक क्वेश्चन आया था जो आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्फेरेंस का क्वेश्चन है, तो ये आपने गलत कर दिया मान लेते हैं, तो इसका आंसर ए है और आपने लगा दिया सी। ठीक है, वॉटसन इज अ डिटेक्टिव, तो अब आप देखो आपने क्यों लगाया सी, आपने अपना अजम्पशन लगा के लगा दिया कि भाई वो मैंने मूवीज में देखा है कि वॉटसन होम्स का डिटेक्टिव ही होता है, या मेरी प्रायर नॉलेज थी कुछ तो मेरे को ऐसा लगा वो डिटेक्टिव होगा, ये करेक्ट नॉलेज है, पर इसका आंसर ए है। फिर आपने देखा कि ए क्यों आंसर है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन लाइन नंबर 4 ही सेज ब्ला ब्ला ब्ला, देयरफॉर वी नो ही इज हिज मेंटर, तो आपने इस वाले क्वेश्चन में क्या एनालाइज किया कि भाई यू आर नॉट रीडिंग द पैसेज प्रॉपरली, आप पैसेज को ही ढंग से रीड नहीं कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक दोगे, पहले ये मॉक कॉपी खोलोगे जिसमें एनालिसिस आपने किया होगा, तो आप देखोगे कि आपने क्या गलती करी थी जो मुझे रिपीट नहीं करनी है, कि मैं लाइंस ही नहीं पढ़ता हूँ ढंग से, तो दिस वे यू इम्प्रूव। अब इस वाले क्वेश्चन को जो आपने गलत किया है, या फिर से अटेम्प्ट करो, फिर से रीड द पैसेज एंड फिर से ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, अब आर यू कमिंग टू द राइट कंक्लूजन,
तो यू आर ऑन अ बेटर पाथ, तो फिर आप सही करने की उस पे हो. फिर सेकंड क्वेश्चन मान लो ऐसा आया, पैसेज को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, नरेटिव. मान लो कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, अनअटेम्प्टेड था, तो अब आप देखो कि क्यों नहीं अटेम्प्ट किया था. तो मान लेते हैं आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको इसके मीनिंग ही नहीं पता थे, तो आप अपनी कॉपी में क्या करोगे, इन चारों वर्ड्स के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से या फिर गूगल करके वर्ड्स की मीनिंग लिखोगे कि एक्सपोजिटरी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, नरेटिव क्या होता है. तो ताकि अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आप गलत ना करो. फिर इंग्लिश में जैसे वोकैबुलरी आपने सब कुछ गलत किया, तो वो सारे वर्ड आप अपनी मॉक कॉपी में लिख लोगे. मान लो कि वर्ड आया था हिंड्रेंस, तो आपने लिख लिया हिंड्रेंस, माने कि आपको कोई ना कोई रोक लगी हुई है, जो भी मतलब आपको वर्ड मिले, मीनिंग मिले, वो आपने लिख लिया, ताकि आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो ये वर्ड भी साथ साथ रिवाइज हो जाए. तो ये मॉक कॉपी एनालिसिस में आप लिख सकते हो. अब जीके का एनालिसिस तो सबसे आसान होता है, जो जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो क्वेश्चन मतलब एक लाइन में सामने आंसर लिख के आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो. मान लो कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, तो आपने अपनी कॉपी में लिख लिया जीके सेक्शन एनालिसिस पॉइंट नंबर वन, मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर नाम लिख दिया. ठीक है, फिर नेक्स्ट इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है सार्क कोविड 19 इमरजेंसी फंड में, तो सार्क कोविड 19 इमरजेंसी फंड इंडिया कंट्रीब्यूशन, फिर अमाउंट लिख दिया. तो नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करोगे तो ये सब आप रिवाइज करोगे, तो आपको अब आप नेक्स्ट टाइम गलत नहीं करोगे. ठीक है, तो जीके आपको ऐसे एनालिसिस करना है. तो जो अनआंसर्ड थे और जो गलत किए वो जीके के ऐसे आप अपनी कॉपी में आंसर लिख लोगे. कमिंग टू लीगल एनालिसिस, तो लीगल एनालिसिस के लिए अब जैसे कोई पर्टिकुलर पैसेज आया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो आप क्या करोगे, पहले तो उस टॉपिक की हेडिंग लिख लोगे. मान लो कि पैसेज आता है रेस जुडिकाटा पे, अब आपको पता ही नहीं कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, तो आपने रेस जुडिकाटा लीगल सेक्शन एनालिसिस लिखा जीके करने के बाद. लीगल सेक्शन एनालिसिस टॉपिक नंबर वन रेस जुडिकाटा. अब आप क्या कर सकते हो, रेस जुडिकाटा गूगल पे जाना, वो टॉपिक लिखना रेस जुडिकाटा, उसके आगे वर्ड लगाना आई प्लीडर्स. ठीक है, या फिर आप लगा सकते हो लीगल सर्विसेज इंडिया, या फिर आप लगा सकते हो मॉन्डैक. मॉन्डैक तो लास्ट होना चाहिए, यही दो मेन है, और इसके आपको दो तीन आर्टिकल्स मिल जाएंगे रेस जुडिकाटा आई प्लीडर्स के. आपको दो तीन ये जो वेबसाइट्स हैं इस पे लीगल आर्टिकल्स मिलते हैं, लीगल नॉलेज के आर्टिकल्स मिलते हैं, तो इसमें से आपने एक बार पढ़ लिया या यूट्यूब वीडियो देख लिया, पांच छह जो आपको मेन पॉइंट्स लगे वो आपने इसमें लिख दिए रेस जुडिकाटा में, कि भाई रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल इन रिट्स, रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है, मतलब एक बार केस डिसाइड हो गया तो इट वोंट गो टू द कोर्ट अगेन, तो ऐसे करके आपने लिख लिया. आपके पैसेज में जो इन्फो दे रखी थी वो जो आंसर से रिलेट कर रही थी वो आपने लिख लिया, तो चार पांच पॉइंट्स में आपने ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि आपने गलत किया था. सेकेंड, फिर आप ऐसे ही अपना दूसरा टॉपिक कर सकते हो जो लीगल का आपने गलत किया है, तो लीगल यू कैन आंसर लाइक दैट. ठीक है, फिर तो और क्रिटिकल, जैसे हमने इंग्लिश का एनालिसिस किया, सीआर का एनालिसिस भी वैसे ही होगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल सीआर में आप गलत कर रहे थे वीकनिंग के क्वेश्चन, तो आपने वीकनिंग वाले क्वेश्चन लिख लिया कि भाई प्रैक्टिस वीकनिंग क्वेश्चंस, तो आप जीमैट क्लब से प्रैक्टिस करने लग गए, कॉन्सेप्ट कोई पर्टिकुलर क्लियर नहीं है. क्रिटिकल रीजनिंग में तो जो आप गलत किए थे ना पैसेज, उस पैसेज को फिर से रीड करना और फिर से आंसर करना, एक बार उसके सही आंसर पढ़ के देखना अब आप सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. तो दिस विल इंप्रूव योर क्रिटिकल रीजनिंग थिंकिंग द नेक्स्ट टाइम यू गिव द मॉक. ठीक है, और बचा क्या क्वांट्स, तो क्वांट्स में तो आपको आपने जो टॉपिक गलत किया, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन आया था, परसेंटेज का क्वेश्चन गलत किया, तो देखो क्वांट्स ना, क्वांट्स आप उसी टाइम पे एनालाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि क्वांट्स तो आप गलत कर दिया तो आता है या नहीं आता है. तो जैसे आपने परसेंटेज का क्वेश्चन गलत किया तो आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट की क्लास करने आ जाओ, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर वो क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करो, अब आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. तो दैट वे यू एनालाइज योर होल मार्क्स. नाउ आपके क्या क्या प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, वंस यू हैव ये पांचों सेक्शंस के आपका एनालिसिस हो गया, तो अब आप क्या करोगे, आपके सबसे ज्यादा टू मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शंस आप लिखोगे. तो जैसे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश वोकैबुलरी आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, तो आपको ये नेक्स्ट मॉक से पहले सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं इन द नेक्स्ट कमिंग 7 days. ठीक है, आपके लिए कौन सा सेक्शन इजिएस्ट था, मान लो मेरे लिए सबसे इजी था इंग्लिश और सबसे हार्डेस्ट क्या था, मान लो जीके. तो इंग्लिश में दो तीन दिन में भी एक बार कर सकती हूँ, पर जीके मुझे डेली करना है. ठीक है, क्या मैंने प्रीवियस मॉक से स्कोर बेटर किया, ठीक है, ये क्वेश्चन आप आंसर करना. तो यस किया है तो यस, तो बहुत बढ़िया. अगर इसका आंसर नो है तो राइट डाउन द रीजंस व्हाई. जैसे आप लिख सकते हो कि इस बार जीके बहुत डिफिकल्ट आई थी, बहुत डिफरेंट आई थी, आई एम नॉट ओके विद दैट. और मान लो कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट लीगल है लेकिन इस बार लीगल ही बहुत मुश्किल आ गई, तो यू कैन राइट दैट. ठीक है, और फिर
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने एक रिपीटेड क्वेश्चन गलत किया है. अगर आपने रिपीटेड क्वेश्चन गलत किया है देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो आपके मोस्ट डिफिकल्ट, जो लास्ट के 10 पेजेस में मैंने आपको बोला ना लिखने को, तो वो लास्ट के 10 पेजेस में आप लिख सकते हो कि ये मैं रिपीटेड क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, तो मतलब ये टॉपिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, तो मुझे डेली रिवाइज करना है. ठीक है, फिर व्हाट वाज योर एक्यूरेसी रेट. तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने 150 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन में से आपने 120 अटेम्प्ट किए और आपके सही सिर्फ और सिर्फ 60 हुए, तो आपका भाई एक्यूरेसी रेट अभी बहुत ही खराब है ना, कि मतलब आप आधे क्वेश्चन गलत कर रहे हो. तो यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी रेट, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो जो भी आपने गलतियां करी है वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे, और क्या आपके अटेम्प्ट कितने थे. जैसे कई बार क्या होता है हमारे अटेम्प्ट ही 60-70 रहते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे अटेम्प्ट कम से कम 100+ जाएं, मतलब 7-8 मॉक्स के बाद, ताकि हम, क्योंकि अगर आपके अटेम्प्ट ही नहीं होंगे तो मार्क्स तो चाहे नेगेटिव में ही चले जाए कोई नहीं, पर मार्क्स बिना अटेम्प्ट के तो मार्क्स वैसे भी नहीं आएंगे ना. मतलब मैंने 50 ही अटेम्प्ट किए तो 50 के ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकती, और 50 तो कभी भी कट ऑफ नहीं होता. तो अटेम्प्ट रेट भी अपन को थोड़ा बढ़ाना है, तो अटेम्प्ट रेट के लिए हम रीडिंग स्पीड, न्यूज़पेपर रीडिंग, लीगल आर्टिकल रीडिंग, ये सब करेंगे. तो सब कुछ टाइम बाउंड करना है अब से. ठीक है, और तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड रीड कर सकते हो. फिर आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप से खुद भी पूछोगे कि भाई मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं. हो सकता है कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया डर के मारे कि यार गलत हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम टेक दैट रिस्क. आप बहुत ज्यादा स्टक थे घर, मतलब सोचे जा रहे थे ये कब खत्म होगा, 4 कब बचेंगे, तो यू हैव टू फोकस. क्या आप सेक्शन लीव कर रहे हो, आप बहुत स्लोली रीड कर रहे हो, आप क्वेश्चन ढंग से ही नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी में नोट ही नहीं पढ़ते, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि आप ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को. और ये सारी जो भी आपको मिस्टेक समझ में आती है ये आप उस मॉक एनालिसिस कॉपी में लिखना, और फिर याद रखना नेक्स्ट वीक तक आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट जब आप मॉक दोगे तो पिछले मॉक एनालिसिस के ये सारे पॉइंट्स रीड करके जाना नेक्स्ट मॉक से पहले. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू एनालाइज योर मॉक्स. हाउ टू एनालाइज इंग्लिश सेक्शन, बेटा मैंने अभी बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था राशि, तो यहाँ पे भाई आपने ये आंसर कर दिया और आंसर ये है, तो क्यों किया, राइट दैट डाउन इन द कॉपी, अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वंस अगेन. ये एक और बार अटेम्प्ट करके देख, एक बार आंसर देख लिया, नाउ अटेम्प्ट इट अगेन, आर यू कमिंग टू द आंसर नाउ, तो कीप दैट इन माइंड. मतलब आपको थ्योरी लगानी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेकंड क्वेश्चन आपसे कोई टर्मिनोलॉजी पूछ ली, तो इन टर्मिनोलॉजी के मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिख लो मॉक कॉपी एनालिसिस में. वोकैबुलरी वीक है तो वोकैबुलरी के जो वर्ड्स आपने गलत किए वो आप अपनी कॉपी में लिख लो, है ना, दिस इज हाउ यू एनालाइज इट. ठीक है, नाउ आई बी ऑन द क्वेश्चन टैब. पैसेजेस को कॉम्प्रीहेंड फास्ट कैसे करें, जितना आप रीडिंग स्पीड बढ़ाओगे उतना आप जल्दी कॉम्प्रीहेंड करोगे. रीडिंग स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, बाय रीडिंग मोर एंड मोर. मेक श्योर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर नहीं समझ में आ रहा है तो एनालिसिस यूट्यूब पे देख रहे हो, पर साथ साथ खुद भी पढ़ रहे हो, सिर्फ एनालिसिस नहीं देखना है, और उसके बाद खुद ट्राई करते हो उसको समझने की, तो धीरे धीरे योर रीडिंग स्पीड विल इंक्रीज एंड कॉम्प्रीहेंशन विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, रुद्र मैं अभी यही बात कर रही थी कि देखो क्लैट क्लियर करने का एक ही तरीका है, क्लैट का एग्जाम देना, और वो 2 घंटे का होता है जिसमें बैठना पड़ता है, और मॉक तो देने ही होते हैं. मतलब जो मैं आपको बताती हूँ, सच बता रही हूँ, कसम से, नॉट लाइंग, जितने भी टॉपर्स हैं आप अगर उनके इंटरव्यू देखोगे ना, मतलब मैंने तो बात भी की उन लोगों से, दे हैव गिवन 100+ मॉक्स थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन. आप जितने मॉक्स दोगे उतने आपके ज्यादा चांसेस हैं पेपर क्लियर करने के. तो अगर तू 1 घंटे में पेपर से उठ जाएगा तो बेटा वैसे भी तेरा क्लैट नहीं निकलेगा ना, मतलब इतनी पेशेंस तो लॉयर को दिखानी पड़ती है. तो आप ये, इट इज ऑल इन योर माइंड, प्रैक्टिस अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन और समथिंग दैट काम्स यू डाउन बिफोर द पेपर एंड देन गो फॉर इट. मतलब ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ कि भाई पे, और इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए रुद्र कि आप ये सब सोचो. मतलब आप पेपर शुरू करो 35 मिनट्स ऐसे ही निकल जाते हैं भाई, लीगल रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट करते करते 30 मिनट्स फिर इंग्लिश में निकल जाते हैं. तो हर सेक्शन को टाइम अलॉट करके जाओगे तो ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा. ठीक है, आपको हर साल कट ऑफ डिफरेंट होता है, तो एनीथिंग अबव 100 इज फाइन फॉर नाउ. मतलब अभी तक तो कट ऑफ 100+ ही जा रहा है, तो या 100-110 मतलब सेफ स्कोर कह सकते हैं, बट हर साल कट ऑफ डिफरेंट होता है, 90 भी जा सकता है. स्टैटिक जीके में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या करूं, लाइक दैट ओनली. बट स्टैटिक जीके जागृति बहुत ज्यादा आता भी नहीं है, और स्टैटिक जीके में आप हिस्ट्री वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लूसेंट जीके एक बुक आती है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो. स्टैटिक जीके वो वही पूछते हैं जो एक्चुअल मतलब करंट जीके से रिलेटेड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ पोचर्स ने किसी इंपॉर्टेंट टाइगर वाइगर को मारवा दिया, तो वहां पे भाई वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितने टाइगर्स थे या ऐसा कुछ, मतलब उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेंगे. तो जो भी आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बस आप अपने नोट्स में लिखो. सारे टीचर्स की सीए की क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, पिक वन टीचर
टीचर एंड स्टिक टू हिम और हर एंड आप उन्हीं से कंप्लीट करो, वरना सिर्फ स्टार्ट सिर्फ जीके नहीं आता ना बेटा, बाकी चार भी तो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जीके के कंपेंडियम कहाँ मिलते हैं? अन अकेडमी ऐप पे आपको मिलेंगे कंपेंडियम करके। आई आस्क देम व्हेन आर दे अपलोडिंग द सेम। माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि यू राइट छोटो छोटो सा साइड साइड में, ताकि यू रिमेम्बर व्हाट द पैसेज इज अबाउट। बाकी मैंने यूट्यूब वीडियो पे कवर किया है हाउ टू राइट दैट एग्जाम्पल के साथ। न्यूज़पेपर का बैकलॉग आप कंपेंडियम से कर सकते हो गुरलीन, या फिर यूट्यूब वीडियो से कर सकते हो। मंथली वो कवर आते हैं ना, हाँ दे सकते हैं मिशाका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। लॉजिकल में सबसे कम आ रहे हैं बट कॉन्सेप्ट में सबसे ही होते हैं, बट पैसेज में नहीं। आशुतोष तो आप चलो ठीक है गलत कर दिया, अब एक बार जब आप सही आंसर देख लो ना कि अच्छा इसका आंसर ये था, फिर अब आंसर हटा दो, फिर से पैसेज अटेम्प्ट करो, देखो अब आप सही कर पा रहे हो क्या। तो फिर ऐसे आप करते जाओ करते जाओ, 5-6 मार्क के बाद आप देखना आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। ठीक है, नो 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 नो, प्लीज टाइम्स ऑफ इंडिया मत पढ़ना ग्लैड के लिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। शिवम देर इज अ क्या बोलते हैं पॉपअप कॉल्ड एज मॉक्स करके, उस पर आपको मिलेगा। एसलैट की क्लास आई टेक अलग से नेहा, उसमें वी कैन डिस्कस दिस। डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है कि हमने उसे लॉ नहीं माना, अब इट इज नो मोर अ क्राइम। जैसे सेक्शन 377 इज डीक्रिमिनलाइज, तो सेक्शन 377 वाज अ क्राइम बिफोर, इट इज नो मोर अ क्राइम, इट इज डीक्रिमिनलाइज। लीगलाइज मतलब समथिंग हैज बीन मेड लीगल, मतलब आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, लॉ अलाउ कर, लॉ कहता है आपको करने के लिए। ठीक ही है, मतलब SLS हैदराबाद एंड SLS नागपुर का तो कोई अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगता, मतलब SLS नोएडा एंड पुणे आर ओनली डूइंग वेल। हाउ टू मेक नोट्स ऑफ रेलिवेंट स्टैटिक जीके टू अ न्यूज। सो अगर आप देखो जैसे ये वेबसाइट होती है दृष्टि IAS विजन IAS, इन पे दे रखे होते हैं उनके स्टैटिक जीके के नोट्स, तो आप वहां से कवर कर सकते हो, या आपके आर्टिकल में कोई चीज कोई स्टैटिक फैक्ट आया है तो वो आप कॉपी में लिख लो एक लाइन में। नेहा यू कैन, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट BBLLB इज अ लिटिल ऑन द टफर साइड देन BLLB। हाँ इट इज ओके, यू कैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकरेक्ट कैसे कम करें आशुतोष? तो आप देखो कौन से टॉपिक्स आप बहुत ज्यादा गलत करते हो, तो उसमें आप थोड़े अटेम्प्ट कम कर दो, है ना, वो धीरे धीरे ठीक होगा। तू अब मॉक एनालिसिस करना तो शुरू कर, फिर वो सही हो जाएगा। लास्ट 40 डेज प्रैक्टिस वन लाइनर क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। बस आई वांटेड टू नो द पैटर्न टॉपिक्स ऑफ CR फॉर SLAT। SLAT आई विल टेक लेटर। Corporate lawyer versus litigation depends on your interest. If you are interested in litigation, go for it. Less money in the beginning, more money in the end. Corporate more money in the beginning, but social life थोड़ी सी कम रहती है। I am currently in DU, but I am not impressed with my college and course. So I'll be giving SLAT. अरे भाई SLAT I'll take different class में। अरे भाई अच्छा ठीक है। एक प्रॉब्लम है, ऑनलाइन मॉक्स कहीं पर भी मिल जाते हैं, पर ऑफलाइन किसी भी टेस्ट सेंटर से आप ले सकते हो, या फिर आपका कोई जान पहचान का हो जो प्रिपेयर कर रहा हो या प्रिपेयर किया उसने लास्ट ईयर, उससे ले लो, उसके बाद सब पढ़े होंगे ना। हाँ दीप, यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल एंड धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि यू विल बिल्ड अप ऑन दैट हैबिट, जस्ट डोंट गिव अप। MHET English question practice भी हो सकते हैं, vocab और grammar वगैरह वो लोग पूछते हैं, तो अब तो इतना टाइम नहीं है कि आप Brennan Martin वगैरह पढ़ो, पर आप क्या बोलते हैं उससे कर सकते हो, क्या बोलते हैं प्रैक्टिस बुक्स आती है ना ग्रामर और vocab की, उससे कर सकते हो। और उसमें GMAT Club एक वेबसाइट है, उस पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दे रखे होते हैं इंग्लिश के, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। How to do current legal passages? आप उसे रीड करो, आपको ठीक है आप आंसर कर दो, फिर जो भी आपने गलत किया है वो आप मतलब जैसे गूगल पे जाके उसको एक बार गूगल कर सकते हो उस टॉपिक को, ताकि आपको वो टॉपिक थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन बेटर हो जाए, बाकी क्लासेस में वील कवर। ठीक है अनुषा, लूसेंट जी कैसे कर सकते हो?
कौन से कौन से एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्लैट, एसलैट, एलसैट, एलिट, एमएचसीटी एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, आई थिंक या ठीक है। और गाइस